बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स फॉर फर्स्ट ईयर। प्लीज आप मजीद बुक डिपो वालों की ये बुक परचेज कर लें, आपको बहुत फायदा होगा जी। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। कहते हैं जब इसको खोलते हो ना भैया पावर 10 है तो 11 रकम आएगी। कहते हैं वो रकम निकालो जिसमें एक्स 5 होगा। तो जब x5 वाली रकम निकले तो कोएफिशिएंट ऑफ x5 चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। भाई आपको क्या चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ x5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। जब इसको आप खोलते हो ठीक है जी, तो x5 वाली जो रकम होगी उसका कोएफिशिएंट चाहिए। भाई r प्लस 1 टर्म इन a प्लस b की पावर n, वो फार्मूला था t r प्लस 1 इज इक्वल एन सी आर, a की पावर n मन पी आर बी की पावर r। भाई r प्लस 1 टर्म का फार्मूला का एन सी आर, a की पावर n मन पी आर बी की पावर r। सुने ए का रोल यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर है जी। ए का रोल हमारे पास यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर। और बी का रोल है माइनस 3 ओवर 2 एक्स। और एन हमारे पास 10 है जी। तो भाई एन क्या होगा? टी आर प्लस 1 बाई 10 सी आर, एक्स स्क्वायर की पावर का होगा 10 मनफी आर, और माइनस 3 ओवर 2 एक्स की पावर का होगा आर। इसको सिंप्लीफाई किया तुम्हारे पास आ गया, हमें चाहिए एक्स की पावर 5। तो भाई ऐसा देखेगा ये 20 माइनस 2R को आपने क्या पुट करना 5। तो इसको हल किया तो हमारे पास आ गई है ठीक है जी, हमारे पास आ गई है। लिहाजा कोएफिशिएंट क्या होगा जी? माइनस 15309 ओवर 8। भैया x5 आपकी छठी रकम जो निकलेगी ना, आपकी जो छठी रकम निकलेगी ठीक है जी, आप यहां से R की वैल्यू निकालोगे, R आपका वजन क्या निकलेगा जी? 5 निकलेगा जी। वजन आर आपका क्या निकलेगा जी? 5 जी। तो आपने 20 माइनस 2 आर को 5 रखा जी, ये उधर चला गया 15, तो 2 आर, तो आर किसके बराबर निकला है? 20 माइनस 3 आर पावर है, इसको जब 5 रखा तो आर निकला है 5। इधर 5 रखें, जहां जहां आ रहा है 5 रखें, तो वी गेट 10 सी 5 माइनस 3 ओवर 2 पावर क्या होगा जी? 5 एंड एक्स पावर 5। सिंप्लीफाई करेंगे तुम्हारे पास आएगा माइनस 15309 ओवर 8 एंड एक्स 5। तो भैया छठी रकम जो होगी ना वो एक्स 5 वाली होगी, इसका कोएफिशिएंट होगा माइनस 15309 ओवर 8। फाइंड द सिक्स टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये इन बोर्ड्स में आया हुआ जी। भैया आपको क्या चाहिए? सिक्स टर्म चाहिए। भाई जब आप इसको खोलते हो ना तो आपको सिक्स टर्म चाहिए। भाई जब आप इसको खोलोगे तो आपको सिक्स टर्म चाहिए। तो आर प्लस 1 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी की पावर एन क्या होता है? टी आर प्लस 1 एन सी आर, ए की पावर एन वन फी आर बी की पावर आर। भाई ये इंटरनेशनल फार्मूला है, टी आर प्लस 1 बराबर होगा एन सी आर, ए की पावर एन वन फी आर बी की पावर आर जी। भाई फार्मूला क्या था जी? टी आर प्लस 1 बराबर होगा एन सी आर, ए की पावर एन वन फी आर बी की पावर आर जी। भाई टी आर प्लस 1 क्या होगा? एन सी आर, ए की पावर एन वन फी आर बी की पावर आर जी। तो हमारे पास क्या होगा जी? यहाँ पे ए हमारे पास क्या है जी? हमारे पास है एक्स स्क्वायर जी, और बी हमारे पास है 3 माइनस 3 ओवर 2 एक्स, और आर हमारे पास क्या है यहाँ पे? 10 है जी। एन हमारे पास 10 है जी। भजन एन हमारे पास क्या है जी? 10। एन हमारे पास 10 है जी। तो क्या होगा? टी आर प्लस 1, ये हमारे पास क्या होगा? 10 सी आर, एक्स स्क्वायर की पावर 10 मन स्क्वायर माइनस 3 ओवर 2 एक्स पावर आर। तो भाई जन आपने 6 टर्म चाहिए, तो आप आर की जगह पर 6 रखो जी, आर की जगह पर 5 रखो, तो टी 6 बराबर होगा ये। तो आपको ये जो है ना 6 टर्म निकालिए। भाई 6 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो आप वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, टी 6 निकाल लें भाई, वो डायरेक्ट वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लें या इस तरीके से अप्रोच करें, आंसर हर हाल में ये निकला। भाई टी 6 क्या होगा जी? 10 सी 5 ठीक है, एक्स की पावर क्या होगा? 5, और माइनस 3 ओवर 2 एक्स पावर 5। उसको हल करेंगे तो हमारे पास ये निकल आएगा जी। अब ये आपकी छठी रकम है जी। जी फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। भैया कहते हैं जब इसको खोलोगे ना वो रकम जिसमें एक्स ना हो, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। कहते हैं जब इसको खोलोगे तो वो रकम चाहिए जिसमें एक्स 5 एक्स ना हो जी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। भाई 10 है तो 11 रकम आएगी। आर प्लस 1 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी की पावर एन फार्मूला टी आर प्लस 1,
बराबर होगा एनसीआर ए की पावर एन वन फिगर बी की पावर आर बाई टी आर प्लस वन बराबर होगा एनसीआर ए की पावर एन वन फिगर बी की पावर आर जी। ए एन हमारे पास यहाँ पे 10 है, ए हमारे पास के अंडर एक्स और बी हमारे पास है 1/2 x के। तो भाई क्या होगा टी आर प्लस वन, ये क्या होगा 10 CR अंडर एक्स की पावर 10 फिगर और 1/2 x की पावर आर। भाई जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना हमारे पास ये चीज आ जाएगी भाई, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा भाई फार इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स जी आप 5 r/2 को भाई 0 पुट कर दें भाई, एक्स की पावर को आप क्या पुट कर दें 0, वहां से आर आपका निकलेगा 2 जी, आर आपका निकलेगा 2, तो लिहाजा आर 2 यहां पुट करें जी, तो टी थ्री बराबर होगा 10 c/2 1/2 की पावर 2 एंड एक्स पावर 0। तो भैया 45/4 आंसर आएगा जी भाई, जब 45/4 आंसर आएगा जी सुने 45/, तो उसने कहा था फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भाई, आपने वो रकम निकाली जिसमें एक्स ना हो भाई, वो रकम निकाली है जिसमें एक्स ना हो, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस भाई, जब इसको खोलोगे तो वो रकम लेनी है जिसमें एक्स ना हो, तो आपके पास जो आपकी तीसरी रकम आएगी ना वो 45/4 है और उसमें एक्स नहीं है जी। तो सिर्फ आपने टी आर प्लस वन का फॉर्मूला एनसीआर ए की पावर एन वन फीआर बी की पावर आर भाई, टी आर प्लस वन बराबर है एनसीआर ए की पावर एन वन फीआर और बी की पावर, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें जी। फाइंड द मिड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस भाई, आपने ये खोलोगे ना तो कहते हैं मिड टर्म निकाली है। अब आप देखें ये हमारे 12 पावर है 13 रकमें होगी जी भाई, कितनी रकमें होगी एन हमारे पास के लिए 12 है ठीक है जी, तो मिड टर्म क्या होगी उसको 2 से डिवाइड करके 1 जमा कर दें भाई, उसको 2 से डिवाइड करके और 1 जमा कर दें भाई, जब एन इवन होगा तो मिड टर्म का फार्मूला उसको 2 से डिवाइड करें और उसमें 1 जमा कर दें तो ये मिड टर्म निकल आएगा। तो भैया 7/56 थी जी, ए हमारे पास क्या 1/x और बी हमारे पास है -x/2 जी, एन हमारे पास क्या जी 12 है और आर हमारे पास 6 है, आर हमारे पास क्या जी 6। तो भाई टी आर प्लस वन बराबर होगा एनसीआर ए की पावर एन वन फीआर बी की पावर आर। तो भाई जिन क्या होगा जी टी 7 बराबर होगा 12 c/6 1/2 की पावर 1/x/6 और -x^2 की पावर 6। इसको भाई जन सिंप्लीफाई करेंगे तुम्हारे पास ही आ जाएगा भाई, ये हमारी मिड टर्म होगी जी। फाइंड द मिड टर्म, आपने मिड टर्म निकालना इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस भाई, जब इसको खोलते हो ना तो आपने मिड टर्म निकाल ली भाई, फाइंड द मिड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, फाइंड द मिड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस जी। अब अगर है राइट द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द मिड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस भाई, आपने मिड टर्म निकाल ली इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इफ एन इज इवन, इफ एन इज इवन भाई पावर एन है, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास होंगे एन प्लस वन, तो भाई इफ एन इज इवन देन एन प्लस वन इज ओड देन एन ओवर टू प्लस वन इज द विल बी दी मिड टर्म भाई, आप अगर एन इवन है तो उसमें एक जमा करेंगे ओड बन जाएगा, आप उसको भैया 2 से डिवाइड करो उसमें एक जमा करो तो आपकी मिड टर्म निकल आएगी भाई, मिड टर्म निकालने का फार्मूला क्या है उसको 2 से डिवाइड करो और उसमें एक जमा कर दो जी। उसने कहा फाइंड द मिड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस भाई, आपको मिड टर्म चाहिए थी, पावर क्या हमारे पास 12 ठीक है जी, ये इस बोर्ड में आया हुआ है। तो भैया एन इवन है तो भैया उसको 2 से डिवाइड करो और उसमें एक जमा कर दो तो आपकी 7/10 मिड टर्म होगी, ए हमारे पास क्या 1/x बी हमारे पास -x^2 थी एन हमारे पास 12 है और आर हमारे पास क्या होगा 6। तो एन टी आर प्लस वन बराबर होगा एनसीआर ए की पर एन वन फिर बी की पर 8 भाई, टी आर प्लस वन बराबर एनसीआर ए की पर एन वन फिर बी की पर, आप ए की बी की एन की और आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारे पास टी 7 निकलेगा 2 3 1/16 इंटू एक्स पर 6 जी। फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ भैया, इसकी क्या है पावर क्या जी 11 है जी, तो कहता है फिफ्थ टर्म निकालो जी भाई, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस, आपने इसकी फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो भाई टी आर प्लस वन का फॉर्मूला करो एनसीआर ए की पावर एन वन फीआर बी की पावर आठ भाई, टी आर प्लस वन बराबर होगा एनसीआर ए की पावर एन वन फीआर बी की पावर आठ, यहाँ पे आर क्या हमारे पास क्या 4 क्योंकि फिफ्थ टर्म चाहिए ना, तो टी 5 बराबर होगा 11 c/4 ये 3x/2 की पावर 11 1/4 और -1/3x/4 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 5/64 इंटू एक्स पावर क्यूब भाई। फाइंड द मिड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस भाई, आपने इसको खोलेंगे ना पावर ऑड है
भाई पावर के लिए आपकी ओड है जी, अगर एन ओड है देन मिडिल टर्म क्या होगी, उसमें एक जमा कर दो से तकसीम कर दो और उसमें तीन जमा करके दो से तकसीम कर दो भाई, अगर पावर ओड है उसमें एक जमा करके दो से तकसीम कर दो और उसमें तीन जमा करके दो से तकसीम कर दो, ठीक है जी। तो आपकी ये मिडिल टर्म निकलेंगे, यहां पर दो मिडिल टर्म निकलेंगे, ठीक है जी। सो आर एन प्लस वन डिवाइड टू क्या होगा, एन की जगह हमारे पास सिक्स टर्म आएगी और भैया सेवन टर्म आएगी। अब टी सिक्स क्या होगा जी, अलेवन सी फाइव थ्री एक्स ओवर टू की पावर क्या होगा सिक्स और माइनस वन ओवर थ्री एक्स पावर फाइव, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा जी माइनस छह सौ तिरानवे ओवर थर्टी टू जी। भजन सेवन टर्म क्या होगा जी, अलेवन सी सिक्स बाई थ्री एक्स ओवर टू की पावर क्या होगा फाइव और माइनस वन ओवर थ्री एक्स पावर सिक्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा जी, ठीक है जी। तो भैया दो मिडिल टर्म निकल आएंगे। राइट एनी थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल थ्योरम, भाई बायनोमियल थ्योरम की तीन प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे भाई। ए जमा एक्स पावर एन क्या होगा, एन सी जीरो ए की पावर एन, फिर एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन एक्स पावर वन, एन सी टू ए की पावर एन वन फिर टू एक्स के अप टू सो ऑन एन सी एन माइनस वन ए की पावर क्या होगा वन और एक्स पावर क्या होगा एन माइनस वन भाई, इस तरह चलता जाएगा जी भाई। पहली प्रॉपर्टी द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज वन मोर वन ग्रेटर देन इट्स इंडेक्स, भाई देखें जितनी इसकी पावर होगी ना नंबर ऑफ टर्म उससे ज्यादा आएंगे। नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज वन मोर इज वन ग्रेटर देन इट्स इंडेक्स, भाई जितनी इसकी पावर होगी उससे एक, अगर पावर 11 है तो भैया रकमें 12 होंगे, अगर पावर 12 तो रकमें 13 होंगी जी। दूसरा द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ए एंड एक्स इन ई टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज इक्वल टू द इंडेक्स, भाई ये पावर को इंडेक्स बोलते हैं भाई, कहता है कि आपके पास जो दो रकम है ना ए और एक्स इनकी पावर्स को जमा करेंगे तो आपके पास पावर आंसर एन ही आएगा। द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ए एंड एक्स इन ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज इक्वल टू इट्स इंडेक्स, द कंपोनेंट ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम इंडेक्स टू जीरो, भाई पहले की पावर कम होती जाएगी और दूसरे की पावर बढ़ती जाएगी, भाई पहले एन से शुरू होगा जीरो जाएगा दूसरा जीरो से शुरू होगा और एन तक जाएगा जी। शो करना है एन सी वन प्लस टू टाइम एन सी टू प्लस थ्री टाइम एन सी एन प्लस वन एन सी एन बराबर एन एन, आगे भाई जना आपने प्रूफ करना एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन, भाई इधर देखें एन सी जीरो टू टाइम एन सी वन थ्री टाइम एन सी थ्री और भाई एन टाइम एन सी एन सी, तो भाई ये ए आएगा जी भाई जन, ये क्या आएगा एन आएगा, पहले एन आएगा फिर टू बाहर फिर ये आएगा एन फैक्टोरियल एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल, फिर आएगा थ्री एन एन माइनस वन एन माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल और सो ऑन जी, और लास्ट में भाई जन क्या आएगा जी एन इंटू वन आएगा जी एन इंटू वन जी जी। तो भाई इधर देखें एन कॉमन निकाल लिया हम ये आ गया जी, तो भाई ये देखें इसको यूनिट का एन माइनस वन ओवर एन सी एन माइनस वन जीरो प्लस एन माइनस वन सी वन एन माइनस टू ओवर टू जी एन सी एन माइनस वन सी एन माइनस वन, तो ये क्या होगा एन और टू की पावर क्या होगा जी एन माइनस वन जी। फाइंड द जनरल टर्म ऑफ दिस, भैया आपने इसकी जनरल टर्म निकाल ली है भाई, जरा आपने इसकी क्या करनी है जनरल टर्म निकालनी है, तो देखिए टी आर प्लस वन बराबर का एन सी आर ए ओवर टू की पावर एन वन सी आर और माइनस टू ओवर ए की पावर क्या होगा आर सी, भाई एन सी आर टी आर प्लस वन क्या होगा एन सी आर, ये ए है और ये बी है भाई, पहले की पावर क्या होगा एन वन फी आर और दूसरी की पावर आर होगा, इसको भाई जनता सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे भाई जन, इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करें तो भाई जन क्या होगा जी सिक्स सी आर, ये सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास ही आ जाएगा, इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो आपका फाइनल रिजल्ट होगा माइनस वन की पावर आर भैया सिक्स सी आर और ए ओवर टू की पावर सिक्स माइनस टू आर। हम इस बुक को स्टडी करेंगे इरशादात बारी ताला और हमारे अमाल, आप इस बुक को यहां से बिल्कुल फ्री ले सकते हैं, लें और उसको पढ़ें आपको बड़ा मजा आएगा जी। आयत नंबर 147 सूरत निसा पारा नंबर 5 जी, आयत नंबर 147 सूरत निसा पारा नंबर 5 बे खुलासा,
इस आयत मुबारक के जरिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए नहायत शफकत के कलमात फरमाए हैं। इरशाद फरमाया है, अगर तुम अल्लाह की दी हुई नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे तो और ईमान के रवश पर चलते रहोगे, फिर अल्लाह ताला तुम्हें हरगिज अजाब नहीं देगा। और इरशाद फरमाया कि वो ऐसे लोगों का कदरदान है, और मजीद फरमाया वो सब के हाल से पूरी तरह वाकिफ है, वो सब के हाल से पूरी तरह वाकिफ है। जी वंस अगेन खुलासा रिपीट, इस आयत मुबारक के जरिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए नहायत शफकत के कलमात फरमाए हैं। इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह की दी हुई नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे और मान की रवश पर चलते रहोगे तो फिर अल्लाह तुम्हें हरगिज अजाब नहीं देगा। और इरशाद फरमाया कि वो ऐसे लोगों का कदरदान है, और मजीद फरमाया वो सबके हाल से पूरी तरह वाकिफ है। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली, ईमान वाली और तंदुरुस्ती सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए, और हम सबका खात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।